कैरमलाइज्ड चिकन एंड फैट ड्रिपिंग। भाई कलर्स ऐसे हैं स्पाइसेस के कि वो लगता है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम फ्रॉम तुर्की इस्तांबुल। वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। इट्स द वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली रिच एंड हिस्टोरिक कंट्री एंड सिटी। गोइंग टू एक्सप्लोर मोर एंड विल बी शेयरिंग। सो जस्ट केम इन यस्टरडे और मैं सेंटर में रुका हुआ हूँ जो ओल्ड टाउन है इस्तांबुल का। तो इतना खूबसूरत है कि रात को तो आई कुडंट डू एनी रिकॉर्डिंग, बट द थिंग इज़ कि स्ट्रीट्स जो हिस्ट्री और जो कल्चर है वो ऐसे है कि उमड़ रहा है हर जगह। आई एम जस्ट इन लव विद द प्लेस इन लाइक कह लें कि फ्यू आवर्स। सो आई विल शेयर मोर एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड एज़ वेल। तो आई एम स्टेइंग इन अ होटल कॉल्ड रूमर्स इन। इसकी मैं डिटेल वगैरह शेयर कर दूंगा और साथ में पिक्चर्स वगैरह भी लगाता हूँ। लेकिन मज़े की बात थी, मैंने जितनी रिसर्च की थी उसमें ये होटल पे, इस पे टेरेस भी है ओल्ड टाउन में। इसका टेरेस से व्यू भी है जैसे आप देख रहे हैं टूवर्ड्स द सी। और इनका ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। तो ये मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे और मैंने यूज़ किया booking.com इस ट्रिप पे सारी बुकिंग्स करने के लिए। वो डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो अभी मैंने कहा आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो है ना वो लुक और फील देते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट टू सी। और ये जिस तरह आप देख रहे हैं मॉस्क वगैरह, इनका यूनिक स्टाइल है। पिलर, एक पिलर होता है और वो इतना खूबसूरत है कि वो दूर से नज़र आता है। हर जगह आपको मॉस्क्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रही हैं और वो एक जो आर्किटेक्चर है उसका हिस्सा है। ये जी, हम फर्स्ट वॉक करते हुए अपने होटल से बाहर निकले और 5 मिनट्स की वॉक पे मॉस्क है, ब्लू मॉस्क, इसको देखने आए हैं। अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ से हमने एंटर होना है। लग रहा है सामने से जा सकते हैं और ये जंजीर लगी हुई है मेरा ख्याल इसलिए कि सो दैट यू बाउ डाउन व्हाइल गोइंग डाउन। नॉट श्योर। जो टूरिस्ट एंट्रेंस है उससे अंदर जाने लगे। तो यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी चल रहे हैं और ये मेन हॉल है मॉस्क का जो टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ पे आई थिंक प्रेयर एरिया सेपरेट है। टू मॉस्क जो है वो सुल्तान अहमद द फर्स्ट ने बनवाई थी आफ्टर ऑटोमन लॉस्ट अ वॉर एंड ही वांटेड टू रीइंस्टेट ऑटोमन्स रिच कल्चर हिस्ट्री एंड वेल्थ। सो इट्स अ टेस्टमेंट टू। जो ग्रैंड बाजार की तरफ हम मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए हैं और यहाँ से जाने लगे हैं अंदर। जो ग्रैंड बाजार है वो बहुत ग्रैंड है और बहुत ही रश है। इधर ज्वेलरी भी है और इनके जो अपने ट्रेडिशनल स्वीट्स, डिजर्ट्स, खाने पीने, साथ में कपड़ों की मार्केट, साथ में ज्वेलरी से भरा हुआ है। रेप्लिका मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, बैग्स हैं, लेकिन करेक्टर बहुत ज़्यादा है बाजार का। जो आर्चेस आप इंटीरियर देखें वैसे इतना मज़ा आ रहा है। टर्किश लैम्प, टर्किश हेरिटेज, टर्किश कल्चर, जिस तरह ये अपने सर्व करते हैं चीज़ें, बहुत ही खूबसूरत है सारा कुछ। ये इनका कपड़े का जो काम है, आई थिंक हैंडमेड ज़्यादातर करते हैं और काफ़ी नफीस काम कर लग रहा है। फाइन लेदर प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं। आई बिलीव चेस भी बहुत पसंद है इधर। हर जगह जो है ना वो हैंड क्राफ्टेड चेस बोर्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट डिफरेंट, यानी उन्होंने थीम्स बनाई हुई हैं। कोई आई थिंक ऑटोमन के स्टाइल का है तो कोई मार्बल फिनिश के साथ। वाह, जहाँ जा रहे हैं ना वो बाज़ार कम और एक म्यूज़ियम गैलरी ज़्यादा लग रही है। और आप ये देखें कि डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने सेक्शंस को प्रिजर्व किया हुआ है। अब ये आगे कोई ओल्ड बाज़ार, इससे भी ओल्ड को ग्रैंड बाज़ार का ओल्ड बाज़ार है वो है। इसी तरह यहाँ पर मतलब इधर एयर कंडीशन भी है कुछ एरिया, तो बहुत अच्छा लगता है आप ट्रैवल वॉक वगैरह करें, क्योंकि इस वक्त बहुत गर्मी है बाहर ना। सो यहाँ से मैंने टर्किश लैम्प भी लिया। अमेजिंग प्राइस, 300 to 400 लीरा टर्किश लीराज में मिल जाते हैं आपको ये छोटे वाले लैम्प्स ना, ये इस तरह के जो हैं। तो बड़े वाले ऑब्वियसली महंगे हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं और मेजमराइजिंग ब्यूटी। हमें अपने जो है ना वो हैंडीक्राफ्ट का बहुत मान है लेकिन यहाँ तो बहुत क्वालिटी और फिनेस है। ये इनकी पॉटरी जो है ये भी बड़ी ट्रेडमार्क है, हर जगह इसी तरह के डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पे जितनी वैरायटी है ना ये मैंने कभी पहले नहीं देखी। दीज आर देयर ट्रेडिशनल टीज और इतने फ्लेवर्स हैं उसके साथ।
स्टमक भी डिटॉक्सिंग के लिए भी, और टर्किश डिलाइट के साथ साथ जो है यहाँ पे देखें लेवेंडर और कोलेस्ट्रॉल स्टमक सारी चीज़ों के लिए इन्होंने टीज बनाई हुई हैं। टी ऑल्सो वी हैव रिलैक्स टी फॉर रिलैक्स, ऑल्सो ग्रीन टी, ऑल्सो व्हाट इज दिस, दिस इज पोमेग्रेनेट टी, ऑल्सो दिस फॉर इफ यू हैव सम problem you want to go to WC drink this this for stomach tea. Yeah, also I have jasmine tea. I have my favorite tea, this for gas. So also this cholesterol tea. Yeah, and all the powdered teas like pistachio, yeah, mango, yeah, yes, chocolate, pomegranate, apple, kiwi, mango, apricot, rose tea, blackberry tea. Also I have ginger tea. Thank you, thanks very much. और ये अब हम ग्रैंड बाज़ार से जब निकले हैं ना, तो स्पाइस बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अगेन लोकल शॉप्स जो उस तरह थोड़ी सी फैंसी भी नहीं है। और आई मस्ट से कि जिस तरह पाकिस्तान में बाज़ार होते हैं इचरे वगैरह, उस तरह बिल्कुल लाहौर में उस तरह की फील आ रही है। तो लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है चीज़ों की, और सस्ती तो नहीं मैं कहूँगा, टूरिस्ट एरिया है तो ऑब्वियसली प्राइसेज आर वेरी हाई। स्पाइस बाज़ार आ गया और क्या ज़बरदस्त वही आर्टिस और आर्किटेक्चर देखे हैं, साथ में शॉप्स वगैरह प्रॉपर्ली लेबल्ड हैं, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो या मुख्तलिफ हो, और पता नहीं हर कोई कैसे एक ही तरह की चीज़ें बेच रहा है। और ऑब्वियसली आप ये देखें मीट कितने ज़बरदस्त तरीके से प्रिजर्व करते हैं, और सॉसेजेस के ये गुरु हैं, चीज़ सॉसेजेस ऑलिव, तो यहाँ स्पाइस बाज़ार में आप ले सकते हैं चीज़ें। हमने तो सेल्फ केटरिंग अपार्टमेंट नहीं लिया हुआ, इसलिए तो वील स्टिक टू आर रेस्टोरेंट्स। अलादीन भी आ गए यहाँ पे, और अलादीन के खाने, वैसे ये बाज़ार तो ऐसे लग रहा है जिस तरह अलादीन की मूवी में कोई बाज़ार होगा। तो ये स्क्वायर है बिल्कुल ब्लू मॉस के सामने, और मोन्यूमेंट बना हुआ है इसी तरह, बहुत ही खूबसूरत है ये एरिया, सारा साफ़ सुथरा है, डस्टबिन अवेलेबल हैं ताकि टूरिस्ट आएँ अपना गंद साफ़ करें, और रश यहाँ हर वक्त लगा रहता है, झंडे पकड़ के जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टूरिंग ग्रुप्स विजिटर्स, अभी पाकिस्तान केबल वाले भी नज़र आए थे, तो वो भी ट्रिप पे आए हुए हैं। तो ये उसकी मेन एंट्रेंस है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस के सामने छल्ली वाला है, छल्ली बहुत मज़े की है, बॉयल और वो चाको, लेकिन इनके साथ एक भाई खड़े हैं, वो बोट टूर्स दे रहे हैं बहुत सफ़र क्रूज के, वो सब सी। सो वॉक करते करते मैं पहुंच ही गया। तो अगर आप ये देखें कि ये सारा जो बीच में पार्क है, ये स्प्लिट करता है ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया को, जो ये है, और इधर रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, और मे बी मैं देखूंगा कि इधर हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट और लाइन लगी हुई है, तो आई एम श्योर ये उसी की है कि ये जाते हैं। प्लस हमने अपना बोट ट्रिप बुक कर लिया है, ब्लैक सी की तरफ जाएंगे, 1 आवर यूरोप, 1 आवर एशियन साइड, और उसकी जो कोस्ट लाइन है उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। और आपको मैंने एक्चुअली दिखाना था, लुक एट द व्यू हियर, ये दिखाना था आपको, और आप ये देखें खूबसूरत पार्क। आई थिंक ये ज़रा सूरज थोड़ा सा नीचे होगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, हम इसको शाम को भी आके देखेंगे। तो अभी तो बहुत रश है और बड़ी ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर इज़ अराउंड 30 डिग्रीज जो हमें बहुत पसंद है, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप ये देखें, आपको पता नहीं, अब ये लाइट ऐसी पड़ रही है कि मुझे नहीं लगता कि नज़र सही आ रहा होगा, अभी तो मतलब कुछ घंटे हुए इधर आए हुए, लेकिन वाकई दिल लगने वाली जगह है। Plus, being a Muslim, there is so much history, so much culture. You see so many, you know, historic monuments. कि आपका ना वैसे ही एक दिल लगता रहता है, और आप ये भी नहीं है कि आपको एक वो कम अज़ कम हर वक्त रिफ्लेक्शन हो रही है कि this is where you are and this is where you came from. तो बातों में मैं गलत आ गया हूँ, और आगे से जगह बंद है। और ये आया हूँ मैं वॉक करते हुए अपने होटल, छोटा सा एक होटल है, बुटीक होटल टाइप ही लगेगा, अंदर से बहुत खूबसूरत है, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये जी क्रूज़ की तरफ जा रहा हूँ मैं, टिकट वगैरह ले ली थी हमने, तो 2 आवर्स का क्रूज़ है,
आई थिंक एशियन साइड और यूरोपियन साइड वो दिखाते हैं उसकी सारी कोस्ट लाइन, तो ऐसे बीच एरिया तो नहीं है क्योंकि शोर नहीं है यहाँ पे, सी गुजरता है और ब्लैक सी अंदर की तरफ आ रहा है, तो काम है रिलेटिवली, बट लेट सी के क्या नज़र आता है। 30 यूरो का हमने ट्रिप बुक किया था और अब हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मार्किंग होती है हमेशा, जिस तरह छतरी इज़ द पॉइंट वे वी ऑल गेट टुगेदर एंड देन वी विल बी गोइंग टू द क्रूज। प्लीज फॉलो माय अम्ब्रेला, 2 प्राइवेट बिग बोट्स, दे आर रेडी फॉर अस। यू डोंट नीड टू बी हरी, नो रन, बिकॉज प्राइवेट बोट्स, माय बोट्स, यू विल एंजॉय सो मच। सो जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्रूज़ बहुत मशहूर हैं, हमने तो डे टाइम का लिया है लेकिन नाइट टाइम भी होते हैं जहाँ पे इंटरटेनमेंट और डिनर इंक्लूडेड है, तो आपको मरमर सी और ब्लैक सी के और एशियन और यूरोपियन साइड के फुल व्यूज आते हैं। सो दिस इज़ द बोट वी आर गोइंग टू गेट ऑन इट। बहुत ही खूबसूरत कोस्ट लग रही है और बोट्स जो हैं वो अब रेडी हो रही हैं और लोग उसमें बैठ रहे हैं। क्रूज हमारी स्टार्ट हो गई है, ये हाया सोफिया का व्यू है फ्रॉम दिस साइड से। बहुत बड़ी क्रूज शिप भी इधर आई हुई है और मेरा एक और चेकलिस्ट है कभी किसी क्रूज शिप पे भी जाएंगे, और सामने उसके ग्लाटर टावर्स नज़र आ रहा है, यहाँ भी चक्कर लगाना है कल या परसों में। और अब ब्लैक सी की तरफ जाते हुए ये जो इस साइड पे इस्तांबुल इतना कंजेस्टेड लग रहा है, और जिस तरह हमें लगा था ना न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का डिफरेंस, एक यानी सी के उस पार और चीज़ है और दूसरी तरफ और चीज़ है। अब लाइट्स आप देख सकते हैं, बहुत सफरस जो सारी राइड है और इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही है क्योंकि लैंडस्केप सारी ऊपर नीचे है, फ्लैट लाइन तो है ही नहीं हर जगह, तो जहाँ जहाँ जाते हैं रश बहुत ज़्यादा है। 18 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है एंड इट फील्स दैट वे क्योंकि देर इज़ सो मच टू डू इन सो मैनी प्लेसेस कि अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने क्या करना है और कहाँ जाना है। हेडिंग बैक टू सिविलाइजेशन एंड दिस इज द ब्रिज कनेक्टिंग एशिया विद यूरोप। डिनर के लिए आई वॉन्टेड टू ट्राई कम्पर, जो बेसिकली बेक पोटैटो है विद बटर एंड चीज़ मिक्स टुगेदर, और उसके ऊपर मुख्तलिफ कॉन्डिमेंट्स जिसमें गर्किन्स, ऑलिव्स, कोल्ड स्लॉ, टहीनी सॉस, हॉट सॉस, सॉसेजेस, सब कुछ अपने हसब जायका आप डाल सकते हैं एंड इट्स वेरी टेस्टी। इट्स लाइक अ स्ट्रीट फूड, अवेलेबल एवरीवेयर, और इकोनॉमिकल भी है और टेस्टी भी है, तो एक रिकमेंडेड डिश है। बहुत ही बिजी है इनका, और लेकिन मैं आपको सही बताऊं, आलू से ज़्यादा ना मुझे जो इनका शौरमा है ना वो बहुत मज़े का था, मतलब वो नॉर्मल शौरमा ही था लेकिन बीफ और जो चिकन है ये कैरमलाइज चिकन एंड फैट ड्रिपिंग, इट्स लवली। तो ये जो देखने में बहुत मज़ा आया ऑब्वियसली देख के, और ये पोटैटो जो है, लेकिन खा के ना मुझे उतना मज़ा नहीं आया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे देखते हैं कि क्या क्या नज़ारे नज़र आएंगे।